हेलो हाय नमस्ते, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो अभी जो टाइम हो रहा है 7:30 इवनिंग का 7:30 बज रहा है और मैं अभी डिनर कर रही हूँ। डिनर में आज मम्मी ने बनाया है टमाटो राइस। बहुत दिनों से हम लोगों ने टमाटो राइस बनाया नहीं था तो मम्मी को मैं बोली हूँ मेरा डिमांड पे आज टमाटो राइस बना है घर में, और बड़ी भी है साथ साथ, क्योंकि समर का टाइम है। मम्मी ने बड़ी बनाया है, तो आज डिनर जल्दी करने का रीज़न यह है कि मुझे बहुत सारा काम है अभी डिनर करने के बाद, तो इसलिए मैं जल्दी खा ले रही हूँ क्योंकि मुझे फिर टाइम नहीं होगा। तो मैं आपको बताऊँगी मैं क्या करने वाली हूँ अभी खाने के बाद। तो आप देख सकते हो कितना यम्मी लग रहा है ना। प्लेन राइस खाने से ज़्यादा मुझे राइस आइटम्स जो भी होता है, टमाटो राइस या फिर जीरा राइस या फिर बिरयानी, पुलाव या फिर फ्राइड राइस, ये सब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है प्लेन राइस से कंपेयर करने से। डिनर तो हमारा हो गया है और अभी हम लोग अनबॉक्सिंग कर रहे हैं एक पार्सल। वी पेरेंट्स से हम लोगों ने ऑर्डर करा है, स्पेशली पापा ने ऑर्डर करा है अपनी पोती के लिए, क्योंकि हमारी कुकी बेबी यहाँ पे आ रही है और हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। और कुकी बेबी तो वैसे छोटी है ना, अभी तो वो झूला में ही सोती है बेंगलोर में, तो यहाँ पर भी हम लोग का कुछ मतलब जैसे कि आप लोगों को पता है पहले ज़माने में साड़ी का झूला होता था या फिर कोई भी हुक होने से हम लोग बांध सकते थे, पर यहाँ पर ये रेंटेड हाउस है और कोई भी नहीं है, तो कैसे हम लोग झूला का अरेंजमेंट करते। तो हम लोगों ने ऑनलाइन ऑर्डर करा, ऑनलाइन में देखा कैसे झूला होते हैं, तो ये वाला हमें एक दिखा है और हम लोगों ने ऑर्डर करा है। बहुत अच्छा रिव्यूज़ भी है इसका, तो पहले इसको अनबॉक्सिंग करते हैं फिर मैं आपको दिखाती हूँ कैसे सब लगाना है। और ये वाला पर्पल कलर हम लोगों ने ऑर्डर करा है क्योंकि ये मेरा फेवरेट कलर है। तो आप देख सकते हो इसके साथ जो स्प्रिंग्स वगैरह हैं ये सारे भी अवेलेबल हैं, उसके साथ झूला भी है। तो कैसे सब बांधना है पापा ये सब कर रहे हैं। ये रॉड भी हैं जो ये विंडो में लगेगा। सबसे ज़्यादा तो मुझे अच्छा लगा ये कलर, कितना सुंदर लग रहा है ना। और ये वाला हम वॉश भी कर सकते हैं क्योंकि ये पूरा क्लॉथ है और अंदर भी जो थोड़ा बहुत कुशन है पर ख़राब नहीं होगा, तो इसे हम वॉश भी कर सकते हैं अगर गंदा हो जाएगा। तो देखिए आप देख सकते हो विंडो में हम लोगों ने जो रॉड आया था ना, तो वो विंडो में हम लोगों ने फ़िक्स कर लिया है। कोई मुश्किल काम नहीं है, आराम से फ़िक्स कर सकते हैं। एंड उसके बाद अभी जो झूला है अभी उसमें बांधेंगे, स्प्रिंग सिस्टम है। आजकल कितना टेक्नोलॉजी आ गया है, कितना दिमाग लगा के ये बनाए हैं ना, बहुत सरप्राइजिंग लगा देखने के बाद। ऐसे भी हो सकता है क्या, क्योंकि हम पहले सोचते थे कि मतलब कहाँ लगाएंगे, कहाँ फिक्स करेंगे, हुक चाहिए होगा, पर देखिए कितना दिमाग लगा के ऐसे झूला भी बनाए हैं। तो बहुत एडवांस्ड हो गया है हमारा कंट्री। तो आप देख सकते हो अभी हम लोग ऐसे फिक्स कर रहे हैं। वैसे सभी को पता है ऐसे वाले झूला मिल रहे हैं ऑनलाइन में। अगर आपको नहीं पता है और आपको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है झूला वगैरह लगाने की, तो आप देख सकते हो ये अमेज़ॉन में फ़्लिपकार्ट में अवेलेबल है और इसका कॉस्ट ही 1500 पड़ा हम लोगों को। अगर ऑफ़र में कम में भी आ जाएगा तो आप देख सकते हो बहुत सारे कलर्स में हैं अवेलेबल और वेराइटीज़ में भी हैं। ये वाला हमें अच्छा लगा तो ये वाला हम लोगों ने ऑर्डर कर लिया। और इसके साथ साथ ये मॉस्किटो नेट भी अवेलेबल है, सारे एक साथ आते हैं पैकेट में, बॉक्स में। और ये वाला हम लोग ऐसे लगा रहे हैं और इसको ऊपर से ऐसे रोल कर लेना है, और एक क्लिप भी आप लगा सकते हो। ये वाला मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा, जिप का होता तो अच्छा होता। नीचे जिप दिया है, हम लोगों ने बंद कर लिया, पर ऊपर कुछ अच्छा फैसिलिटीज़ नहीं है, बट अच्छे से क्लोज़ कर देना चाहिए ताकि मॉस्किटो अंदर ना जाए। देखो आप कैसे हम लोगों ने बंद कर दिया है। यहाँ पे हम लोगों ने डायरेक्शन चेंज कर दिया क्योंकि फ़र्स्ट टाइम है ना, थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा था किस तरह लगाएं, बट जो पहले हम लगाए थे तो वैसे तो झूला झूलना में प्रॉब्लम होगा, तो अभी हम लोगों ने ऐसे डायरेक्शन में घुमा दिया है ताकि अच्छे से हम झूला झूला सकते हैं अपनी कुकी बेबी को।
झूले का तो काम हो गया है और अभी हम लोग सारा डेकोरेशन का जो भी काम है वो करेंगे। तो मुझे पर्पल पसंद है ना, तो इसलिए मैं पर्पल का थीम रखी थी और मैं ये वाला ऑर्डर की हूँ। वेलकम जो लिखा होता है ये वाला सारा अमेज़ॉन से मैं ऑर्डर की हूँ। और ये साइड में आप देख सकते हो फॉयल जो होता है सिल्वर कलर का या ग्रे कलर का जो भी है वो वाला मैं 2 पैकेट्स ऑर्डर की हूँ। और साथ साथ पर्पल वाले बैलून, साथ साथ ग्रे वाले बैलून्स और ये वाला जो बैलून फुलाने वाला ये वाला बहुत कॉस्टली है यार। ऑनलाइन में बाहर मैं पूछी थी पर मुझे कहाँ मिला नहीं है, इसलिए मुझे ऑनलाइन में मजबूरन मुझे ऑर्डर करना पड़ा। एक्चुअली बाहर मिल रहे थे, मैं 2-3 शॉप्स गई थी, वो बेकरी वाला शॉप होता है ना, तो वहाँ पे वो मेटलिक नहीं है, नॉर्मल बैलून्स है, तो ये वाला मेटलिक बैलून्स है ना, इसलिए आजकल ये भी सारा आए हैं मार्केट में। तो ये वाला मुझे अच्छा लगा पर्पल का, और पर्पल मुझे चाहिए था, बाहर भी नहीं था अवेलेबल, तो 2 कलर्स में मैं ऐसे कॉम्बिनेशन करके हम लोग ऐसे बनाए हैं, आप देख सकते हो। तो 4 बैलून्स हम पहले फुला लेंगे, उसके बाद कोई धागा विदाउट धागा हम लोगों ने ऐसे कर लिया है, तो डेकोरेशन और पापा और मैं मिलकर दोनों डेकोरेट करेंगे अभी। एक्चुअली मेरा ये फर्स्ट टाइम ऐसे डेकोरेशन करना, मेरे बर्थडे में मैं जब स्कूल में थी तो हम लोगों ने किया था, बट पापा ही सारा 80% पापा ही किए थे डेकोरेशन। उसके सारे बहुत सारे फोटोज़ भी हैं, मैं आपके कभी किसी ना किसी दिन दिखाऊंगी आपको। तो ये वाला मुझे याद भी नहीं है कि मैं कोई डेकोरेशन भी की थी, तो मैं फ़र्स्ट टाइम शायद कर रही हूँ अपने से ख़रीद के सब ला के। तो ये जो सिल्वर फॉयल है ना ये बहुत ज़्यादा उलझ जाता है, आप देख सकते हो। तो पापा एक आइडिया लगाए हैं और एक धागा बांध के सीधा से उसमें लचपका दिए हैं ताकि हमें डेकोरेशन करने में इजी रहेगा। तो आप देख सकते हो सारा हम लोगों ने डेकोरेशन कर लिया है और वेलकम का जो है वो वाला भी लगा लिया है ऊपर, साइड में बैलून सीनर ऐसे चिपका दिया है और डबल टेप से। और तो पापा बहुत ज़्यादा हेल्प किए हैं, हम दोनों एकदम इक्वली कॉन्ट्रीब्यूट किए हैं। और आप देख सकते हो, आपको लगेगा सिंपल है डेकोरेशन, बट इसमें कितना टाइम चला गया, एकदम रात हो गई है, आधी रात हो गई है अभी। तो अब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कल के लिए, और मेरी कुकी बेबी यहाँ पे आ रही है फर्स्ट टाइम। तो एक बच्चे के साथ घर में रहना मीन्स बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, फर्स्ट टाइम है हमारा। मैं तो गई थी बैंगलोर मिलने के लिए, टाइम स्पेंड करने के लिए, बट कुकी बेबी यहाँ पे फर्स्ट टाइम आ रही है, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं सभी लोग घर में, बहुत ज़्यादा खुश भी हैं। और ये कुकी बेबी का बेड है, कितना क्यूट लग रहा है ना, पिंक पिंक, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये वाला भी मुझे। मॉर्निंग टाइम में जब सोएगी तो वो झूला में सोएगी, क्योंकि हम सभी लोग जगे रहते हैं वहीं पे रहते हैं, बट नाइट के टाइम वो हमारे साथ सोएगी। तो ये बेड है उसी के लिए, कुकी बेबी के लिए स्पेशली, तो यहाँ पे सोएगी रात के टाइम। बच्चों के जो भी चीज़ें होती हैं बहुत अच्छा लगता है ना, पॉजिटिव वाइब्स आती हैं और अच्छा लगता है देखने में, क्यूट क्यूट सा लगता है ना। तो गुड मॉर्निंग, अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं और मैं और पापा जा रहे हैं कुकी बेबी को लेने के लिए। जीजाजी, मेरी बहन स्वाति और कुकी बेबी आ रहे हैं, शायद अभी रीच भी कर गए होंगे शायद, पर हमारा थोड़ा देरी हो गया क्योंकि रात में इतना डेकोरेशन वगैरह करके हम थोड़ा लेट से सोए थे, उठ नहीं पाए। फ़ोन में तो बात हुई है और अभी 10 मिनट में ट्रेन पहुंचने वाली है, हमारा शायद 5-10 मिनट इधर उधर हो जाएगा क्योंकि हम लोगों का एक तो लेट हो गया है, लेट से उठे हैं और अलार्म तो बजा था पर उठ नहीं पा रहे थे क्योंकि देरी हो गई थी ना। और दोनों नहा के भी निकले हैं पापा और मैं, क्योंकि हमें विदाउट नहा के बाहर जाना अच्छा नहीं लगता है, ऊपर से गर्मी का भी दिन है। इसे ये मेरी कुकी बेबी आ गई है और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। हाँ, अभी तो सो रही है वो, मेरी सिस्टर बता रही थी कि जब ट्रेन उतरे थे तो वो बहुत रोई थी, भूख लग रही है उसको, तो अभी तो वैसे सो रही है। और अभी हम लोग जा रहे हैं घर। पोती के आने की खुशी में नानी ने केक बनाया है कुकी के लिए, वैसे कुकी तो नहीं खाएगी पर उसके नाम पर हम खा लेंगे, है ना। काजू के साथ ऐसे गार्निश कर दी हूँ। 1, 2, 3.
कुकी की मम्मा को, कुकी को, दोनों को वेलकम। और यहाँ पे हमारा कुकी बेबी सो रहा है झूले में तो आते ही मम्मी ने बाहर आरती उतारा है दोनों को, क्योंकि बाहर से आए हैं ना, आरती उतारना चाहिए और फर्स्ट टाइम है तो आरती तो मस्ट है। और मैं सारा कुछ आपको दिखा नहीं पाई। और अभी इवनिंग का टाइम है और मम्मी बना रहे हैं समोसास विद चाय। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ समोसास खाने के लिए, क्योंकि मुझे ऐसे वाले चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। हेल्दी चीज़ से कंपेयर करने से मुझे हेल्दी चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, जो हमारे लिए अच्छा होता है। मुझे ऐसे तले हुए बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो समोसास को एंजॉय करने वाली हूँ अभी, और आज का जो ब्लॉग है यही एंड करती हूँ। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना। फिर मिलूंगी दूसरे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।